हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और आज देखिए प्रिया और मेरे भांजे को विकास को आज हमारे यहाँ कहते हैं हायली, ये जो दिख रही है आपको चैन इसको हायली कहते हैं, तो ये पहना दी है। और आज से बस शादी का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो हमारे कैसे क्या रिवाज रस्म रिवाज है वो सब कुछ देखना, तो आपको तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे सीधे वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी जो है पहले जो भांजा है उसका जो सावा है लग्न है उसको मतलब उसका स्वागत करेंगे, तो सामा लेना बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए उसको स्वागत के लिए महिलाएं वगैरह गीत वगैरह गा रही है यहाँ पर। और ये देखिए नवीन लेके आ चुका है जो सावा है उसको, ये देखिए। और इसका नवीन का स्वागत करेंगे, ये देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ये, तो ये दीदी की ननद है तो पहले देखिए तिलक विलक लगा के स्वागत करेंगे सावे का। सामा लेना सामा लेंगे मतलब, देखिए एक थाली पकड़ो ना कोई। और ये देखिए इस प्रकार से आरती की जाती है, ये देखिए। और उसके बाद क्या होता है अभी दिखाएंगे हम आपको। ये थोड़ा सा मीठा मतलब जो सावा है उसको भी मीठा किया जाता है, और नवीन का मुंह मीठा कराया जा रहा है। और ये आ चुका है विकास, और अब इसकी जो जोली है उसमें सावा जो है मतलब झेलाया जाएगा, मतलब झेलाना बोलते हैं हमारे। तो ये देखिए झेला दिया है अब सावा, ये देखिए लग्न पत्रिका है ये। और अभी जाएंगे हम अंदर, और ये नेक मिल चुका है नवीन को ये देखिए, और अब चल रहे हैं अंदर। और दोस्तों ये देखिए अभी हम आ चुके हैं अंदर सावा झेल के, और उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ आंगन में चौक बनाया जाता है, और वो चौक जो बनाया जाता है जो आटा है उससे बनाया जाता है। तो ये देखिए अभी हमारे यहाँ पर ये चौक बनाया जा रहा है, और इस चौक को बनाने के बाद जो हमारी एक रस्म होती है हायली फहराने वाली वो की जाएगी। तो ये देखिए इस प्रकार से चौकोर टाइप में इस चौक बनाया जाता है, और ये देखिए इस प्रकार से बीच में एक लाइन और खींच देंगे,
मतलब सब गांव में अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। तो ये जो दीदी के साथ से वो उनके यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है, हमारे यहाँ अलग टाइप का बनाया जाता है, यानी हर गांव में अलग अलग बनाया जाता है। तो ये देखिए इन्होंने ये बना दिया है चौक, जैसा इनके यहाँ बनता है वैसा। और अब क्या करेंगे, ये जो चौक है इसके बीच में क्या करेंगे, गेहूँ रख देंगे। ये देखिए ये गेहूँ रख दिए हैं, और इन गेहूँ को रखने के बाद और ये जो गुड़ है वो भी दो बेलियाँ रख देंगे हम। और ये है कलश जो है, ये हर कार्यक्रम प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर रखा जाता है। तो ये रख दिया है, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। कलश रखने के बाद अब क्या करते हैं, ये देखिए अभी एक नारियल रखा जाएगा, और नारियल रखने के बाद इसमें रखा जाएगा जो नेग है वो डाला जाएगा। 21, 11, 51, 101 जो भी आप आपकी श्रद्धा है उस अनुसार डाल सकते हैं, तो वो हम इसमें रख देंगे। और ये देखिए, और उसके बाद बहुत सारी रस्में हैं जो हमारे यहाँ पर की जाती है, हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो दोस्तों वो ये जो थाली मैंने सुबह बताई थी आपको वही है, और ये जो थाली है यही हमारे लास्ट तक जो कार्यक्रम होगा शादी का उसमें ये चलेगी। ये देखिए, और इसके बाद ये जो क्या कहते हैं कलश है उस पर जो हर कार्यक्रम होता है तो उसमें सब में ये जो मौली बांधी जाएगी। ये देखिए सुबह बांधी थी और अभी वापस बांध रहे हैं मौली। ये देखिए, और ये आ चुकी है दोस्तों कटार, और ये कटार भी आज ही पहनाई जाएगी। तो पहनाने से पहले इसकी भी पूजा की जाएगी, और इसके जो एक मौली बांधी जा रही है, देखिए मौली बांधी जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बांध दी है मौली, और आगे क्या है वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये रख दी है मौली यहीं, जो कलश इसके पास ही यहाँ रख देंगे। ये देखिए, और अब जो दूल्हा है यानी मेरा भांजा है विकास, उसके जो मौली बांधी जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मौली बांधी जाएगी, और उसके बाद जोत, जो जोत है वो की जाएगी, क्योंकि विनायक जी स्थापित कर रहे हैं आज। तो हमारे यहाँ पर 11 दिन 21 दिन या 13 दिन 9 दिन 7 दिन इन दिवसों का पहनाया, मतलब जो गणेश जी बिठाए जाते हैं गाँव में अभी भी, और वैसे शहरों में तो कम दिनों का ही बिठाते हैं गणेश जी, पर गाँव में तो लगभग 13 दिन 11 दिन तो बिठाते हैं। और फिर इन दिनों के दौरान यहाँ पर कंटिन्यू गीत वगैरह चलते हैं हमारे। तो ये देखिए जोत आ चुकी है, यानी विनायक जी महाराज आ चुके हैं, गणेश जी महाराज, और उसके बाद जोत की जा रही है। और अब क्या करेंगे, जो दूल्हा है उसको ये कटारी पहनाई जाएगी। ये देखिए वो कैसे बनाई जाएगी वो भी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जो जोत है उसमें इस प्रकार से फेर के जोत में से निकाल के फिर ही जो कटार है ये धारण कराई जाएगी, और इस कटार को दूल्हे को शादी होने के बाद भी जब विनायक जी उठाएंगे उस समय तक पहने रहना है। ऐसी हमारे यहाँ पर रस्म रिवाज है, आपके यहाँ भी ऐसा ही है क्या, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अब ये है जो चांदी की चैन है ये पहनाई जाएगी, मेन जो कार्यक्रम है आज इसी का है, यानी आज इसे हमारे यहाँ मारवाड़ी में लोकल भाषा में हाईली फहराना बोलते हैं गांव की भाषा में, तो आज ये हाईली पहनाई जाएगी, और इसकी भी पूजा की जाएगी, और इसके मौली बांध दी है। और इसके बाद इसको जो धूप है जोत है उसमें से इस प्रकार से फेर के निकाला जाएगा, और ये दूल्हे को ये पहना दी गई। ये देखिए, और ये भी जब विनायक जी उठाएँगे उसी दिन ही वापस ये चैन वापस निकाली जाएगी, इसे कंटिन्यू पहने रहना है। और ये देखिए इस प्रकार से दूल्हे की आरती कर दी जाएगी, ये ऐसे कर देते हैं हमारे यहाँ पर, और अब दूल्हे को तिलक लगाया जाएगा। ये देखिए, और कंटिन्यू अब गीत वगैरह चलेंगे 11 दिन तक। तो मैं आपको सब कुछ एक एक प्रोग्राम को बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा, तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। तो अब यानी हो चुका है एक कार्यक्रम, तो अभी प्रिया का और है। और ये देखिए दूल्हे का मुँह मीठा कराया जा रहा है, गुड़ से ही हमारे कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई मिठाई उठाई लाई जाती है, तो हमारे गुड़ को सबसे शुभ माना जाता है और गुड़ ही कराया जाता है। और ये पीठ थपाना बोलते हैं, पीठ थप थपा दी है, और ये नेग इसमें वापस रख देते हैं, और ये सावा है अब इसको अब घर में रखेंगे, ये मतलब पहले बाहर ही रखते हैं इसको। तो ये देखिए अब दूल्हा जो रखने जा रहा है अंदर, ये देखिए जोत वगैरह ला के और यहाँ जहाँ पर गणेश जी स्थापित किए गए हैं वहाँ पर रखा जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से
यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं और रोज़ सुबह रोजाना प्रतिदिन सुबह इसमें जोत करके धूप करना पड़ता है खाना खाने से पहले। और ये देखिए सावा यहाँ रखा जाएगा जहाँ पर ये कलश रखा हुआ है, 11 दिन ये यहीं रहेगा और शादी होगी उस दिन हम ले जाएंगे उसको शादी के दिन। और ये माला पहनाई दी जा रही है ये देखिए दूल्हे को, ये देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है। और अभी मैं फ़ोटोशूट कर रहा था भांजे के साथ और अब आया है प्रिया की बारी क्योंकि पहले भांजे को पहरा दी थी, अब मेरी भांजी लाडली भांजी है मेरी, तो अभी इसका आया है नंबर। तो पहले सबसे पहले जोत की जा रही है वापस, इसके लिए अलग कलश और जो दुपेड़ा बोलते हैं वो अलग ही रखना पड़ता है दोनों भाई बहनों के लिए अलग अलग ही। तो ये देखिए जोत आ चुकी है दोस्तों और अब वही प्रक्रिया जो विकास के साथ हुई थी वही प्रक्रिया इसके साथ भी होगी। हाँ, पर हमारे यहाँ लड़कियों को कटारी नहीं पहनाई जाती है, कटार जो होती है वो नहीं पहनाई जाती हैं। तो अभी देखिए जो प्रिया को चैन पहनाएंगे उसकी भी इसी प्रकार रोली मोली बांध के गठान दी जा रही है देखिए। और अब ये भी प्रिया को वापस ससुराल से वापस आएगी उसके बाद ही गणेश जी उठाएंगे उसके बाद ही ये मतलब चेन वगैरह वापस करेंगे। तो सबसे पहले प्रिया के हाथ में मोली बांध रहे हैं ये देख रहे, क्योंकि यहाँ पर बातें भी चल रही थी कि लड़की के उल्टे हाथ के मतलब बंधाई जाती है मोली, इस कारण ये देखिए सब लोग मजाक भी कर रहे थे यहाँ पर। इससे मजाक वजाक होते हैं शादी में, बहुत मजे आते हैं हमारे यहाँ पर गाँव में। डांस अभी 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा तो डांस की वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी करूँगा दोस्तों। तो जहाँ तक है 5 दिन का जो तेल चढ़ाएंगे उस समय से हमारे डीजे वगैरह लग जाएंगे गाँव घर पे, तो डांस का दिखाएंगे हम। तो रोली मोली बांधी है और अब देखिए चेन को भी इसी प्रकार धूप में निकाल के जोत में और अब ये पहना दिए, अब बन्ना बन्नी बन चुके हैं ये तो हो चुकी। और माला प्रिया को यहीं पहना देंगे माला, देखिए गणेश जी महाराज हमारे जो खोटा गणेश जी महाराज है पास में अजमेर में वहाँ से दी गई थी ये माला तो वो लेके आए हैं ये देखिए। और अब प्रिया की भी आरती होगी ये देखिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आरती की जाती है। आपके यहाँ भी ऐसी की जाती है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ये देखिए अब तिलक लगाया जाएगा प्रिया के, ये देखिए कह रही थी कि कुछ ओढ़ा दो सर पे, वैसे है सर पे पर फिर भी तो इसकी बुआ है इसने इसको शॉल वगैरह ओढ़ा दी थोड़ी सी ये देखिए। और अब चलते हैं क्या होता है दिखाते हैं हम आपको, और इसके बाद कंट्री थोड़े बहुत गीत भी है जो हमारे गाँव में गए जाते हैं। और ये देखिए पीर थपथपाना बोलते हैं इसे, पीर थपथपाई जाएगी जो भी पूजा होगी उस समय यहाँ पर बहुत मजा आता है इसमें, और मीठा मुकराया जा रहा है। अब हो गया प्रिया का ये कार्यक्रम और अब हम अंदर आ चुके हैं। एक तरफ विकास यानी भांजे का वो रख रखा है, गणेश जी बिठा रखे हैं और एक तरफ इनके देखिए थोड़ी सी स्माइल कर रही थी फोटो खींच रही, मुझे कह रही थी मामा ये मत लगा देना आप वीडियो में तो ये देखिए अब गीत सुनिए आप थोड़े से। दोस्तों 5 गीत अभी गाए जा रहे हैं। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा खमा गणेश।